पर आए, श्रीनगर पर आए थे, और डायरेक्टली हमने होटल पे चेक इन कर दिया। होटल एक एवरेज होटल ही लिया था हमने, जो दाल लेके ऑलमोस्ट थोड़ा दूरी है, लेकिन उसके बाद हम बहुत टायर्ड हो गए थे। फिर हम होटल पे रेस्ट किया और अभी टाइम हुआ है अराउंड फोर, क्या टाइम हुआ है, 4 o'clock ना, नहीं 5 हुआ है। सो अभी हम थोड़ा बाहर आए हैं, सो स्ट्रेटली वी केम टू डाल लेक। डाल लेक पे रेट्स आर वेरी फ्लेक्सिबल। उधर एक बोर्ड लगा हुआ है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का बोर्ड है, मैं जाने के बाद आपको वो बोर्ड बता दूंगा, आप वो देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप काम कीजिए। इधर तो आप जैसे रेट बोलेंगे उस हिसाब से दे लेके जाते हैं। सो दैट इज़ ओवर। इसके बाद हम अभी इधर एक रेस्टोरेंट है, नातू सिदरी है ना, हाँ उधर जाएंगे, उधर जाके अभी डिनर करेंगे। कल से तो कल से लेके आज तक तो हमारा पूरा प्लानिंग चौपट हो गया था, पूरा सिद्धद ही हो गया था। इंडिगो का फ्लाइट पूरा डिले हो गया, ऑलमोस्ट 4 to 5 hours डिले हो गया। इंडिगो से पूरा हमारा प्लानिंग चौपट हो गया था। हम आए थे लाइक हमारा फ्लाइट था चेन्नई एयरपोर्ट से अराउंड 8 o'clock, जो कि वो डिले हो गया था। पूरा फॉग था दिल्ली में एज वेल एज इन चेन्नई में, कुछ जगह पे कुछ फॉग था बोल रहे थे। सो चेन्नई में था ना, नहीं 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 दिल्ली, फ्रॉम चेन्नई टू दिल्ली नो, हाँ दिल्ली में बहुत फॉग था इसलिए फ्लाइट डिले हो गया था। पहले कहा था उन्होंने 1 hour डिले, उसके बाद कहा था 3 hours हो गया था। सो 3 hours क्रॉस हो गया था, दैट इज़ 8 o'clock का फ्लाइट था, 8, 9, 10, 11, 11:30 तक हो गया था। तो फिर उन्होंने कहा था कि 3 hours के ऊपर डिले हो गया है, सो आपको हम डिनर दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डिनर दिया था उन्होंने इंडिगो उधर ही रेस्टोरेंट पर, सब पैसेंजर्स को उन्होंने डिनर दिया था। सो डिनर हमने पूरा किया, डिनर भी अच्छा था, बिरयानी था, रायता था, सैलाड, स्वीट सब था, डिनर भी अच्छा था। इसलिए डिनर करने के बाद हम आए थे चेक इन करने के लिए, तो उन्होंने कहा कहते कि और एक 1 hour डिले हो गया, तो उसके लिए उन्होंने रिफ्रेशमेंट सब दिया था, तो रिफ्रेशमेंट भी हो गया था और टोटल डिले हुआ था 4 to 5 hours हो गया था। सो हम कल चेन्नई से लगभग अराउंड 12:30 बोर्डिंग, वॉट टाइम 12 o'clock, यहाँ 12:30 को हमने बोर्डिंग किया था। बोर्डिंग करने के बाद हम दिल्ली आए, दिल्ली आने के बाद उधर भी अगेन डिले हो गया, सो और 2-3 hours डिले हो गया। श्रीनगर पे तो फ्लाइट लैंड ही नहीं हुआ, आज सुबह को श्रीनगर आना था फ्लाइट, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट था 6:50 को, दैट वॉज ऑन टाइम, बट श्रीनगर पे वो लैंड नहीं हुआ। 2 attempts हुआ था लैंड होने के लिए, दोनों अटम्प्स फेल हो गया था। क्या एक्सपीरियंस था, ये तो फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस था, ऐसे सडनली नीचे जाता है सडनली ऊपर आ जाता है, ऐसा था एक्सपीरियंस। सो अगेन तो फिर क्या हुआ, 2.5 hours ऊपर ही घूम रहा था, उसके बाद स्ट्रेट दे वेंट टू अमृतसर, अमृतसर में जाके उन्होंने लैंड कर दिया। सो रिफ्यूलिंग किया, फिर 1 hour उधर वेट किया, वो होने के बाद हम स्ट्रेट टू श्रीनगर उन्होंने फ्लाइट लिया दोबारा वही फ्लाइट से। सो हम श्रीनगर लैंड हो गए थे, हमारा लैंड होने का टाइम था 8:30, लेकिन हम लैंड हुए थे अराउंड 11:30 को लैंड हुए थे, 11:30 को लैंड हुए थे। सो उधर भी टाइम वेस्ट हो गया। सो अगर आप विंटर में कभी भी प्लान कर रहे हैं ना, तो थोड़ा अर्ली से ही बुक कर लीजिए, वो ठीक होगा, क्योंकि फ्लाइट 12 o'clock to 12:30 फ्लाइट टेक ऑफ होना चाहिए ना। हाँ वो दैट इज़ ओके, विंटर में आप आ रहे हैं तो आप थोड़ा मतलब एक 1 month या 2 months बैक की आप टिकट बुक कर लीजिए, क्योंकि आपको रीशेड्यूलिंग का बार बार मौका मिलता है। लाइक आपको हमारा फ्लाइट का 2 बार तो डेट का रीशेड्यूल हुआ था, 1 बार हुआ था टाइमिंग का हुआ था, और इधर श्रीनगर में लास्ट मिनट में श्रीनगर टू दिल्ली टू श्रीनगर का फ्लाइट कैंसिल हो गया था। फिर ऑनलाइन जाके उनका ट्रैफिक जाम था सिस्टम, सो बहुत टाइम लगा। 1 घंटे के बाद हमने वेबसाइट से जाके रीशेड्यूल किया था, दैट इज़ टर्मिनल को चेंज कर दिया उन्होंने, सो वो एक लफड़ा हो गया था उधर, वो बहुत टाइम हो गया उसमें। देन उसके बाद हम आए थे श्रीनगर, पहुँच गए, देन डायरेक्टली चेक इन किया, टायर्ड हो गए थे। सो आज का पूरा दिन हम एक्सप्लोर सही ढंग से नहीं कर पाए, सो अभी शाम को आए, 1-2-3 जगह जाएंगे, फिर कल से हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी श्रीनगर का टेम्परेचर है लगभग, अभी इधर टेम्परेचर कितना है, 8 degrees होगा, 7 degrees होगा ना, हाँ 7 to 8 degrees होगा। अभी जनवरी 10 तारीख है, हम जनवरी 10 तारीख को आए, और इधर कंडीशन देख लीजिए, सिर्फ फॉग ही है अभी, इधर स्नो सब कुछ भी नहीं है, और पानी भी कुछ फ्रीज सब नहीं है, नॉर्मली है। इधर कुछ लोकल्स बोल रहे हैं कि कल 3 दिन स्नोफॉल होगा बोल रहे हैं प्रेडिक्शन से, वो कल पता चलेगा। सो कल से हम एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। कल हमारा गोंडोला राइड था एक्चुअली 10 o'clock को, 11:30 को गोंडोला राइड था, वो भी पूरा कैंसिल हो गया, 4,000 rupees वेस्ट हो गया। अभी हम दोबारा गोंडोला राइड ऑनलाइन में लेंगे, कोई कोई बोल रहे हैं उधर मिल रहे हैं, कोई कोई बोल रहे हैं ऑनलाइन ही लेना है गोंडोला का टिकट्स, सो हम उधर जाके कन्फर्म करेंगे व्हाटएवर जो भी है। ओके ये सब हो गया, अभी
अभी इधर थोड़ा साइट सीइंग करेंगे, उसके बाद दूसरी जगह हो सके तो जाएंगे। और इधर एक रेस्टोरेंट है, हम आपको रेस्टोरेंट में मिलेंगे अभी। बोटिंग तो हो गया है, इधर देखिए इधर बोर्ड लगा है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, हर चीज़ का रेट्स डिस्प्लेड है, लेकिन इस रेट्स को कोई भी फॉलो नहीं करता है, इस रेट से ज़्यादा ही पूछता है। अब ये देखिए शिकारा रेट डाल लेक, हायर चार्जेस फुल बोट 605 फॉर रिटर्न, 1540 फॉर रिटर्न, इसमें ये दो जगह लेके जाते हैं, लेकिन ये रेट्स उधर कोई फॉलो ही नहीं करता है, उससे ज़्यादा ही पूछते हैं। सो आपको जाना है तो नेगोशिएट करना ही है, नहीं तो फिर अच्छा लूट लेते हैं हमसे। और बाकी चीज़ का भी सब लिखा हुआ है, लाइक मोटर बोट चाहिए तो, बाथिंग बोट्स, और उसके बाद टूरिस्ट गाइड चाहिए ट्रेकिंग के लिए, जो भी है एवरीथिंग इज़ क्लियर, लेकिन इस रेट को कोई फॉलो नहीं करता। सो आप वो देख लीजिए। अभी इधर से हम इधर एक फेमस रेस्टोरेंट है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, अभी हम उधर जाएंगे, चलिए चलते। अभी नतुस पे आ गए, एकदम दाल लेके ऑपोजिट ही है, चलिए इधर क्या है देखते हैं। नातू स्वीट्स में इधर बहुत वैरायटी के स्वीट्स है और स्नैक्स भी बहुत है, एंड मिनी कॉम्बो थाली मैंने लिया हूँ, मिनी थाली एंड मेन थाली भी है, एंड पनीर रोटी वगैरह वगैरह सब भी इधर, मेन कोर्स भी है, आप इधर भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। इधर नहीं तो एक और है कृष्णा वैष्णो ढाबा, आप उधर भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी अच्छा है, वेजिटेरियन है दोनों। अगर आपको नॉन वेजिटेरियन चाहिए देन यू कैन गो फॉर आदूस एंड स्ट्रीम, ये दोनों अच्छा है। अगर आपको कश्मीरी ट्राई करना है तो कश्मीरी दरबार, व्हाट इज दैट, कश्मीरी दरबार, आप उधर भी ट्राई कर सकते हैं, नॉट कश्मीरी दरबार, इट्स मुगल दरबार, आप उधर भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी अच्छा है अगर आपको कश्मीरी कुजीन खाना है तो। अभी इसको ट्राई करेंगे। डे टू है आज कश्मीर में, और हम श्रीनगर से अभी गुलमर्ग जा रहे हैं। सो गुलमर्ग जाने के रास्ते में हम टंगमार्ग आए हैं, अभी इधर मामूली सा स्नोफॉल पड़ रहा है। गुलमर्ग श्रीनगर से आपको गुलमर्ग आने के लिए लगभग 40-50 किलोमीटर है, इट टेक्स अबाउट 2 आवर्स टू कम। अभी इधर से हम गाड़ी चेंज करना पड़ेगा, या तो फिर आप ATV लेके द्रंग जा सकते हैं, द्रंग फॉल्स, या तो फिर आप शेयरिंग की गाड़ी लेके जा सकते हैं। वो अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आपको बोलता हूँ कैसे जाना है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए इधर पाइन व्यू रेस्टोरेंट पे आया हूँ, तो अभी इधर चल के ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी हम ATV से जा रहे हैं द्रंग फॉल्स के लिए, और द्रंग जाने हैं तो 2-3 पैकेजेस के हिसाब से वो चार्जेस लेते हैं, लाइक 5000 है, 3000 है, 2500 है, लेकिन वो जो मेनू में जो पैकेजेस बता रहे हैं वो उस भाव से चलते नहीं हैं। आप डायरेक्टली बात कीजिए, आपको अच्छा डिस्काउंट भी देते हैं। अभी मैंने ATV लिया हूँ, 2 प्लेस के लिए लिया था, और उसके लिए उन्होंने 17 चार्ज किया है उनसे, एक ATV का। अभी हम द्रंग जा रहे हैं और आपको मैं व्यू बताता हूँ अभी इधर का। अभी इस मामूली सा स्नो पड़ रहा है इधर, ये देखिए व्यू देखिए कैसा इधर, ये देखिए पीछे लड़का आ रहा है। ATV राइड ले लीजिए, मज़ा आ जाता चलाने में, आपको चलाने भी देते हैं, थोड़ी दूर के लिए दे देंगे, अंदर ही दे देते हैं। तंगमा से द्रंग जाने के लिए जस्ट 2 किलोमीटर ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। वो व्यू पॉइंट रुकेंगे ना, व्यू पॉइंट, व्यू पॉइंट, व्यू पॉइंट, ओके ओके। मैंने स्नोफॉल नहीं देखा, यही दिन स्नोफॉल देख रहा हूँ। ये द्रंगमा जाने का रास्ता है, और द्रंगमा जाने के रास्ते में ये व्यू पॉइंट आता है, यही व्यू पॉइंट पूरा लैंडस्केप भी बदल गया है, और मामूली स्नो भी हो रहा है। इस तरफ से द्रंग फॉल जाना है, अभी अभी हम द्रंग फॉल भी जाएंगे। हम ये ATV शहर के हैं, देखिए 3 ATV इधर खड़े हैं। हेलो भैया, हेलो, हेलो, हाय, हाय। और इनके ड्राइवर्स है। ये द्रंग वाटरफॉल पूरा फ्रीज नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा फ्रीज हो गया है पूरा। व्यू देखिए कैसा दिख रहा है, एकदम जबरदस्त दिख रहा है। एक्चुअली एक नेचुरल वाटरफॉल नहीं है, एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल है, जो ऊपर आपको दिख रहा है वो हाइड्रो पावर प्लांट है, उसका वाटर एग्जिट चैनल ही ये वाटरफॉल जैसा हो गया है।
उसका वाटर ऐसी छान ली है ये। अगर आपको आना है ना तो विंटर में आना है, समर में आने में कोई फ़ायदा नहीं है। विंटर में आएंगे तो आपका फ़ोटोशूट भी बहुत अच्छा होता है इधर। देखिए और थोड़ा आगे जाके बताता हूँ। चलो हाँ, देखिए ये जगह देखिए कैसा दिख रहा है। ये देखिए पूरा फ्रीज हो गया इधर, नीचे भी जा सकते हैं, नीचे भी जाएंगे अभी हम। जंग फॉल्स आना है तो विंटर में ही आना है, समर में आने में कोई मतलब ही नहीं है। नीचे जा सकते हैं ना, बहुत इजीली है और व्यू भी नीचे से अच्छा अच्छा आता है। ठीक है जाएंगे। बहुत स्लिपरी है जगह नीचे आने में। जंगफल हो गया, अभी बोल ही नहीं पा रहा, इतना ठंडा इधर हो गया शायद। कितनी गर्मी है यहाँ पर। हाँ अभी धंग होने के बाद अभी हम गुलमर्ग जाएंगे। हाँ अभी तंगमर्ग जाएंगे, उधर से गाड़ी लेंगे और गुलमर्ग के लिए निकलेंगे। तो अभी तंगमर्ग में मिलते हैं आपसे, इधर से बातें नहीं हो रहे हो रहा है। बहुत मज़ेदार है चलाने में गाड़ी। गुलमर्ग आ गए, गुलमर्ग का मेन बस स्टैंड है। अच्छा गुलमर्ग का मेन बस स्टैंड है। अच्छा हाँ बहुत भीड़ है गोंडला केबल कार के लिए, केबल राइड के लिए। देखिए कितना भीड़ है। बहुत क्राउड है, थोड़ा जल्दी आने से अच्छा होता है। जो आपका टाइमिंग का स्पॉट है उस टाइमिंग के स्पॉट के पहले आ जाइए, एक 1 to 1.5 hours अर्ली आ जाइए तो ठीक होता है। ये और फेज 2 भी बंद है तो पता नहीं क्या होगा, अभी आगे जाके देखते हैं क्या क्या करेंगे। ये अभी हम गुलमर्ग गोंडोला केबल राइड पे कैबिन में बैठ रहे हैं। इधर पूरा मिस्ट दिख ही नहीं रहा है कुछ भी बाहर से, वही ट्राई कर रहे हैं कुछ देखने के लिए। सो फेज 1 में अभी, इसके बाद फेज 2 तो बंद हो गया है, फेज 2 अलाउ नहीं कर रहे हैं। टेम्परेचर बहुत वस्ट है, अभी हम नीचे उतर के आगे जाके बताएंगे आपको। बहुत हेवी स्नोफॉल हो रहा है इधर। ये देखिए ये फेस 1 का है। वो देखिए एक कैबिन आ रहा है, स्नो पड़ रहा है। अभी देखिए इधर ये देखिए, ये फेस 1 का नज़ारा, स्नो है, वॉशरूम है और कैफे भी है इधर, मल्टी क्यूज़ीन रेस्टोरेंट। मौसम खराब है इसलिए सेकंड फेज बंद कर दिया। इधर भी ढाबा बहुत है और अच्छा ढंग का रेस्टोरेंट चाहिए आपको तो जो हम फेज 1 से उतरे थे ना नीचे, वो रेस्टोरेंट ही है जो नीट है, डिसेंट है और बड़ा रेस्टोरेंट है, बट बहुत एक्सपेंसिव है। उधर सेंट्रल हीटिंग भी है, अगर आपको सस्ता में खाना है, चीप खाना है तो आप इधर आ सकते हैं। इधर बहुत सारे ढाबे हैं, ये देखिए इधर बहुत सारे ढाबे हैं, इधर सस्ता में हो जाएगा। अंदर बुखारी सिस्टम भी है, आपको थोड़ा हीटिंग भी मिलेगा उधर, तो इधर भी खा सकते हैं आप। अभी हम स्नो बाइक करेंगे। ये देखिए स्नो बाइक हो रहा है इधर, ये देखो स्नो बाइक है। स्नो बाइक का यूनियन का एक ही रेट है इधर, इसका फिक्स प्राइस ही है, आप खुद भी चला सकते हैं इधर। और जो ये दिख रहा है देखिए, ये फेज 2 का है और उसके बाजू में देखिए चार लिप दिख रहा है,
वो ऊपर तक जाता है। स्की से तो आप चैलेंज भी यूज़ कर सकते हैं। फेस टू फिलहाल बंद है, आज कल था आज बंद हो गया। ऊपर का टेम्परेचर बहुत ख़राब है, देखिए कैसा है ऊपर। गाड़ी फंस गया, अभी गाड़ी जैम हो गया। ये देखो ड्राइवर निकाल रहा है अभी गाड़ी। ये देखो इसको देखो, ये भी फंस गया। देखिए इतना 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 फैल गया अंदर, इतना बर्फ है। देखिए मेरा चेहरा ही दिख नहीं रहा है। और ये है हमारा ड्राइवर, और गाड़ी इधर है, दिख रहा है आपको। अरे देखिए गाड़ी, ये 1000 रुपये का राइड हमने लिया था। ये ड्राइवर बहुत ज़ोरदार चला रहा है, हम मुझे 2 बार नीचे पटका दिया था। मजा कर रहा हूँ। भाई गुलमर्ग तो बहुत ज़ोरदार है, पूरा स्नो ही स्नो है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है स्नो में, पूरा इंडिया कवर कर दिया लेकिन स्नो अभी तक नहीं देखा, और लास्ट टूर में हमने स्नो एक्सप्लोर कर दिया। स्नो बाइक आए, गुलमर्ग आ रहे हैं तो स्नो बाइक कीजिए। 2 रूट्स है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। 1000 रुपया लेते हैं शॉर्ट रूट का और 2000 लेते हैं लॉन्ग रूट का। ये जो है ये फिक्सड है, इसमें कोई चीटिंग नहीं होता है। इसके बाद हम दोबारा जाएंगे उधर, फिर और दूसरा क्या क्या एक्टिविटीज है हम देखेंगे, हो सके तो करेंगे भी। पूरा स्नो बाइक ही है इधर। इधर पे कश्मीरी कहवा भी मिलता है, और क्या मैगी भी है ना उधर। एक मिनट, अरे ये कश्मीरी कहवा इधर, शरबत वाला, शरबत वाला वो क्या होता है, शरबत है कश्मीरी मिक्स। अच्छा कश्मीर का कहवा पी रहा है, ले रहा है। कैसा लगा आपको ये कश्मीर का? बढ़िया है। ठंड कितनी है इस टाइम यहाँ पे, आपको क्या लग रहा है सर? कितना, -5 -2 लग रहा है, -5 होगा या -2 होगा। हाँ, इस टाइम स्नोफॉल भी हो रही है। स्नोफॉल हो रहा है क्योंकि स्नोफॉल के दिन आए यहाँ। हाँ, बहुत लकी हूँ मैं तो, क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। बहुत बार जाके देखा नहीं, तो फर्स्ट टाइम हो गया हमारा। हम चेन्नई से। हर किसी को वो अकेला चलाने नहीं देता है, अगर आप उन्हें कटिंग देंगे ना तो आपको अकेला चलाने भी दे देगा। मैंने उनको 70 रुपये दिया था, और रिटर्न आने के वक्त ही मैंने चलाया था, और जहाँ बेस है उससे थोड़ा पहले रोक देता है और उसका पैसा दे दीजिए, फिर वो चला के आपको बेस तक लेके चला जाएगा। That is looking awesome. Full white, huh? You want a snow? You want more? Yeah, I want more. इनके तो आज कभी पूरी नहीं होगी। गाइड लेने में आपका फायदा भी होता है। तंगमा से आप एक गाइड ले लीजिए, गाइड 700 रुपया लेता है, और हमारे रिटर्न आने में गोंडाला राइड में थोड़ा लेट हो गया था, तो गाइड ने ही हमें हेल्प किया और हमें आगे लेके गया और कैबिन पे बैठा दिया था। तो कैबिन में बैठ के हम जट से शाम 5:30 तक हमारे कैब तक आ गए थे, और फिर हम होटल रीच हो गए थे। हमें जाहिर कॉन्टिनेंटल है, हमने इधर ही रूम लिया है, और जो नज़ारा है अभी ऐसा ही है, स्नोफॉल कंटिन्यूसली हो रहा है इधर।
अभी हम ऊपर जाएंगे, आपको मैं रेस्टोरेंट बताता हूँ, रूम बताता हूँ, उसके बाद इधर फेमस रेस्टोरेंट है, हम उधर जाएंगे। हमने ऑलरेडी चेक इन कर दिया हूँ, आपको बताने के लिए मैं बाहर से अभी अंदर आ रहा हूँ। मैं रूम के बाद तो देखो स्लो इतना है यार। अभी का इधर का टेम्परेचर भी थोड़ा -5 चल रहा है इधर। अभी मैंने माइक यूज नहीं किया है क्योंकि माइक पूरा बैटरी डाउन हो गया है। हो सके तो मैं बैकग्राउंड में बोलूंगा इस वीडियो में। ये होटल पूरा सेंट्रलाइज्ड है, ऐसे ऐसे हीटर्स लगे हुए इधर। अभी इस होटल का सर्विस कैसा है मैं आपको कल बोलूंगा। ये हमारा रूम है 202। ये हमारा रूम, एक एक्स्ट्रा बेड भी हमने दिया है आपको, मैं बाथरूम बताता हूँ पहले। और एक्स्ट्रा बेड में हीटिंग भी है। ये बाथरूम, और सबसे बड़ी बात तो हमको ये भी मिला है। और इधर हीटर है, इस जगह पे हीटर भी है, ये देखिए हीटर इधर लगा हुआ है। और गाड़ी में भी हीटिंग है, इसे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है, ये देखिए वायरिंग दिया हुआ है, ये लगा हुआ है इधर, उसमें भी है। और अलग एक्स्ट्रा बेड दिया, उसमें भी है। रूम थोड़ा छोटा है लेकिन ओके, अच्छा है, नीट है, बेड काफ़ी बड़ा है 3 जन के लिए। और गरम भी है। और व्यू देखिए कैसा है इधर से, ये रूम हमें मिला है विथ एक्स्ट्रा बेड फॉर 4 persons विदाउट ब्रेकफास्ट एंड विदाउट डिनर, हमको मिला है 9,000 में मिला है, नेट 9,000 में मिला है। गुलमर्ग में ऑलमोस्ट सब होटल्स एक्सपेंसिव ही है। अगर आप डे टूर कर रहे हैं तो बेटर आप डे टूर ही करें। अगर आपका एक दिन में अगर आपका एक्सप्लोर पूरा खत्म हो जाता है तो आप बैक श्रीनगर जा सकते हैं, दैट इज श्रीनगर टू गुलमर्ग, गुलमर्ग टू श्रीनगर, डे टूर ही ठीक रहता है। अगर आपको इधर नाइट स्टे करना, नाइट में तो कुछ हो तो बाहर जा ही नहीं सकते, और स्नोफॉल रोज तो होता नहीं है, हमारा लक आ जाए कि आज स्नोफॉल कंटिन्यूसली हो रहा है। उसके बाद आप डे टूर करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको अगर नाइट स्टे तक करना है तो कर सकते हैं, प्री बुक करना ठीक है। वॉक इन करेंगे तो थोड़ा मुश्किल ये मिलता नहीं है। अभी हम इधर थोड़ी दूर रेस्ट करेंगे, उसके बाद इधर जो फेमस रेस्टोरेंट हमने बोला, मैंने बोला था वो रेस्टोरेंट हम जाएंगे, सो विल गो इन नेक्स्ट इन 1 आवर। वो रेस्टोरेंट बहुत फेमस है इधर, तो उस रेस्टोरेंट में हम आपसे मिलेंगे। अभी 7 PM हुआ है और अभी हम डिनर करने जा रहे हैं। हमारे होटल से एक वॉकेबल है जस्ट 1 किलोमीटर, बख्शी रेस्टोरेंट, गुलमर्ग का थोड़ा फेमस रेस्टोरेंट है और प्योर रेस्टोरेंट है, सॉरी प्योर वेजिटेरियन है, बात नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ठंड लग रहा है। सो अभी हम उधर जा रहे हैं। अभी देखिए 7 PM हो रहा है और व्यू देखिए, आपको व्यू दिख रहा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए पूरा स्नोफॉल अभी भी हो रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये वाला विंटेज है, विंटेज रेस्टोरेंट है और वो ऑफर बता है। चलिए अब थोड़ा वॉक करना है। बम गया, क्या हुआ, लगा? अच्छा, या बख्शी रेस्टोरेंट आ गए, जस्ट वॉकेबल ही था। ये देखिए आपको मैं बताता हूँ, ये है बख्शी रेस्टोरेंट और हमारा होटल है ओ वाला, वो दिख रहा है आपको, ओ लाइट लग रहा है, देखिए लाइट के ओ पीछे वाला, वो छोटा वाला दिख रहा है, वही है बस। ठीक है अभी चलिए रेस्टोरेंट चलते अंदर और मेनू बताता हूँ मैं आपको क्या है खाने के लिए। जी हम पक्षी रेस्टोरेंट में आ गए हैं और हम मैंने मंगाया है, इधर का कश्मीरी पुलाव बहुत फेमस है, वो आप ट्राई कर जिए, ये कश्मीरी पुलाव है। और रोटी, पनीर बटर मसाला, और जो स्वीट है ये भी बहुत फेमस है, फिरनी बोलते हैं इसको। एंड ये तो अच्छा है ना, अभी इसको हम कंप्लीट कर देते हैं फिर बात करते हैं आपसे। पक्षी रेस्टोरेंट में खाना अच्छा था, लेकिन बख्शी रेस्टोरेंट पहले वेजिटेरियन था, अभी नॉन वेज कर दिया उन्होंने, करके 3 साल हो गया, सो दिस इज़ नॉट प्योर वेजिटेरियन। अगर आपको प्योर वेजिटेरियन चाहिए तो इधर और भी 2-3 रेस्टोरेंट्स है, एक है धारापानी, एक है बख्शी, एक है विष्णु ढाबा और एक और है पंडित ढाबा, ये तीनों इधर बाजू बाजू में ही है। आपको प्योर वेजिटेरियन चाहिए तो वो ट्राई कर सकते हैं।
मिक्स्ड है तो बख्शी रेस्टोरेंट आप ट्राई कर सकते हैं। होटल का सर्विस भी अच्छा था, ब्रेकफास्ट डिनर भी है इधर, उसका अलग लेंगे तो आपको 12,000 करीब लगता है। और रूम में हीटिंग नहीं है, सेंट्रलाइज हीटिंग नहीं है, बट एवरी रूम में हीटर्स है और पैसेजेस में भी अलग अलग हीटर्स लगे हुए हैं और गर्म पानी भी आता है। बट रात में इन्होंने रूम का हीटिंग थोड़ा बंद कर दिया था। सो बट नॉर्मल था, रूम तो अच्छा ही था, इतना ठंडा भी नहीं लगा था और व्यू भी अच्छा दिख रहा था रूम से। अभी हम गुलमर्ग में हैं, अभी हम इधर से चेकआउट करेंगे और बैक टू श्रीनगर जाएंगे। कल हमने गुलमर्ग का अच्छा एक्सप्लोर किया था, हम गोंडोला गए थे, फेज़ टू बंद था, हेवी स्नोफॉल था इसलिए फेज़ टू एक्सेस नहीं था, उसने बंद कर दिया। लेकिन फेज़ टू आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है, फेज़ वन में ही आपको सब एक्टिविटीज मिल जाता है। फेज़ टू जाके दोबारा रिटर्न ही आना है, लेकिन सब एक्टिविटीज़ फेज़ टू पे ही है, फेज़ वन में है। सो दैट इज़ बेटर, वो अच्छा है और होटल्स भी बहुत है फेज़ वन में, आप उधर ही खाना खा सकते हैं। उसके बाद अभी हम बैक टू श्रीनगर जा रहे हैं। सो श्रीनगर जाने के बाद हम डिसाइड करेंगे नेक्स्ट कहाँ पे जाना है। अभी हमारा गाड़ी आने वाला है, सो श्रीनगर जाएंगे। अगर आप विंटर में कश्मीर आ रहे हैं ना, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप विंटर में ही आइए, समर में आइए मत, समर में कुछ भी नहीं देखने के लिए। विंटर में आएंगे तो आपका लैंडस्केप भी पूरा बदल जाता है और मज़ा भी आता है विंटर में, लेकिन थोड़ा मुश्किल है विंटर में घूमने का। सो बट आई वुड सजेस्ट यू टू कम इन विंटर। अगर विंटर में आ रहे हैं तो ऐसा जैकेट ले लीजिए, ये नॉर्थ फेस का जैकेट है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे लिंक से खरीद सकते हैं, बहुत अच्छा वार्म रहता है। और ऐसा बूट्स भी आप ले सकते हैं, ऐसा बड़े बड़े बूट्स पहन के भी आ सकते हैं, ये भी बहुत हेल्पफुल है आपको। लाइक छोटे छोटे शूज़ के अलावा ऐसे बड़े बूट्स पहन के आएंगे ना तो आपको बहुत हेल्पफुल होता है, अच्छा गर्म रहता है अंदर। इसका भी मैं लिंक आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अभी हम कश्मीर जा रहे हैं, अभी हम सॉरी श्रीनगर जाएंगे, होटल रूम बुक करेंगे, फिर नेक्स्ट कहाँ जाना है वो डिसाइड करेंगे, होटल वॉक ही नहीं करेंगे श्रीनगर पे जाके। जी अभी हम तनमार्ग आ गए, अभी गुलमर्ग से लगभग 1.5 आवर्स लगा है आने के लिए। सो तनमार्ग रीच हो गए, इधर मैं आपको रेट लिस्ट बताता हूँ। ये देखिए रेट लिस्ट लगा है, तो इस हिसाब से चलता है, कोई कोई ऊपर भी लेते हैं, कोई कोई कम भी लेते हैं। तनमार्ग से गुलमर्ग ड्रॉप 1200 है, सेम डे रिटर्न 2200 है, योस मार्ग से, सोन मार्ग से, सबका रेट लिस्ट इधर लगा हुआ है। तो अभी हम श्रीनगर जाएंगे, फिर होटल चेक इन करेंगे या आगे कहाँ जाना है उधर डिसाइड करेंगे, तो अभी श्रीनगर चलते हैं। अभी गुलमर्ग से हम टूवर्ड श्रीनगर जा रहे थे, तो एंड रूट पे एक जगह आता है, वो है मानसबल लेक। मानसबल लेक बहुत बड़ा लेक है, वो जो श्रीनगर के पास जो वुलार लेक है उसी का जॉइंट भी इधर ही है, उसको मानसबल लेक बोलते हैं। और इस लेक में एक और जगह है एशियन टेम्पल बोल के, ये देखिए आपको बोर्ड पे पीछे दिख रहा है, वो देखिए दिख रहा है, देखिए एशियन टेम्पल, वो टेम्पल मैं आपको अभी बताता हूँ, वो भी टेम्पल एकदम ज़ोरदार है, आप देखिए आप कैसा है, ये देखिए पूरा गेट से कवर कर दिया उन्होंने। ये देखिए टेम्पल है, वाटर एकदम क्रिस्टल क्लियर है इधर, एक एंशियंट टेम्पल है। इधर के लोकल्स बोल रहे हैं कि ये जो है ये मंदिर का टॉप है और इसके नीचे 2 मंजिल है, बट वो झूठ है कि सच है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट लोकल्स से ऐसे ही बोल रहे हैं इधर। और मानसबल लेक वो ऑपोजिट में है, सामने ही है, देखिए वो दिख रहा, देखिए वो यह मानसबल है, उधर बोटिंग भी कर सकते हैं। आप गुलमर्ग से श्रीनगर आने के रूट पे आते हैं, हाईवे से एक लेफ्ट लेना पड़ता है, आप लेफ्ट लेके आएगा, सो लेफ्ट लेके आप आएंगे तो आप ये जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत कम टूरिस्ट इस लोकेशन पे आते हैं। अभी इधर हम थोड़ी देर स्पेंड करेंगे टाइम, बोटिंग भी करेंगे उस लेक की तरफ जाके बोटिंग भी करेंगे, फिर हम श्रीनगर के लिए निकलेंगे। ठंड इधर बहुत ज़्यादा है भाई। जी अभी मानसबल लेक पे आए हैं, ये जो एशियन टेम्पल है ना उसके बाजू में ही है मानसबल लेक। बहुत कम टूरिस्ट है इधर, कोई टूरिस्ट ही नहीं दिख रहे। इधर भी बोटिंग है, कितना पैसा लेते हैं बोटिंग का, कितना लेते हैं? इधर टैरिफ लगा हुआ है, रेट्स फॉर द पीरियड।
अभी इधर बोटिंग के लिए आधा घंटा का बोटिंग के लिए 600 रुपये पूछ रहे हैं, और भी काम करेंगे और एक घंटा का भी अलग है, तो उधर तक घुमा के ले आते हैं। हम बोटिंग नहीं कर रहे हैं, डालने के से ही है। हाँ डालने से अच्छा तो ये क्राउडेड नहीं, हाँ क्राउडेड नहीं है, ठीक है। हाँ हम बोटिंग अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम जाएंगे श्रीनगर चलेंगे। अभी हम दिल्ली से आए हैं, ये जस्ट डालने के ऑपोजिट ही है। दिल्ली से भी प्योर वेज ही है। हाँ ये भी प्योर वेज है। उधर भी खाना अच्छा है, लेकिन थोड़ा पुराना मॉडल में है। ये अगर आपको नॉन वेज चाहिए तो इधर नेक्स्ट में स्ट्रीम है, आप उधर भी ट्राई करते हैं। अगर आपको नॉन वेज चाहिए तो दस बिल्डिंग आ गई है स्ट्रीम, और वेज चाहिए तो ये तो आपका कृष्ण वैष्णो ढाबा है, और एक दिल्ली रसोई हो गया, एक नातूस हो गया, ये सब प्योर वेज है। चलिए अभी डिनर करने के बाद हम होटल जाएंगे, आपको मैं होटल भी बताता हूँ कौन सा होटल लिया इस बार। होटल पे आ गए अभी, ये होटल का नाम है अल अजरा, हमने इधर ही रूम लिया है, आपको मैं रूम बताता हूँ। ये देखिए ये रूम, एक्स्ट्रा बेड दिया है, एक ब्लोअर भी दिया है, और इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट भी है। बाथरूम देखिए, देखिए बाथरूम भी है, थोड़ा नीट ही है बाथरूम भी। अभी इधर स्टे करेंगे हम। उतरे आज गुलमर्ग श्रीनगर एक्सप्लोर करने का कश्मीर का, अभी कहाँ जाएंगे डिसाइड नहीं किया है, अभी बारिश हो रहा है इधर, सो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के लिए कृष्णा वैष्णो भोजनालय इधर देखिए बोर्ड लिखा है, वो वन ऑफ द बेस्ट है, आप इधर भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर सकते हैं, अच्छा इधर। तो अभी हम इधर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर कहाँ जाना है डिसाइड करेंगे। कृष्णा वैष्णो ढाबा पे ब्रेकफास्ट किया था, उधर से हमने डिसाइड किया कि हम दूधपत्री जाएंगे, और दूधपत्री के लिए निकल गए लगभग रेस्टोरेंट से, कृष्णा वैष्णो ढाबा रेस्टोरेंट से लगभग 1.5 आवर्स 2 आवर्स लगता है दूधपत्री जाने के लिए। सो अभी हम दूधपत्री पहुँचने वाले हैं। सो ऑन द वे रास्ते पे जो चढ़ाई है, चढ़ाई में जाने के बाद स्नोफॉल हो गया, तो देखिए अभी कैसा है नज़ारा इधर। अभी दूधपत्री इस रोड से पूरा सीधा जाना है अभी, और थोड़ी दूरी है हम पहुंच जाएंगे अभी। सो स्नोफॉल के कारण गुमा की तरह दिख रहा है अभी पूरा, देखिए सब हो टाइम से पूरा हुक गया है। फ्रेंड से बताता हूँ मैं आपको, यही हमारा गाड़ी है जो सामने दिख रहा है, हमने इनोवा क्रिस्टा लिया था, वही गाड़ी है, गाड़ी एकदम नया है, मस्त है गाड़ी। गाड़ी का डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए अभी दूधपत्री चलते हैं। दूधपत्री के लिए इधर से और 20 किलोमीटर है, और हमारा गाड़ी उधर खड़ा है क्योंकि ऊपर चढ़ने रहा है, पूरा स्लिप हो रहा है, बर्फ़ ज़्यादा गिर रहा है अभी इधर, आपको दिख रहा है पूरा नज़ारा ही बदल गया है टोटली, जितना ऊपर आ गया उतना आगे, इस ऊपर गाड़ी जा नहीं रहा है, अच्छा स्लिप हो रहा है। लेकिन अगर आप दूधपत्री आ रहे हैं ना, अगर आप कश्मीर आ रहे हैं तो दूधपत्री ज़रूर आइए, वो भी विंटर में आ रहे हैं तो ज़रूर आइए, लेकिन आप जा पाएंगे नहीं वो मुझे पता नहीं, बट ट्राई कर लीजिएगा एक बार। अभी देखिए कितना बर्फ़ गिर रहा है इधर, आगे नहीं जा पा रहा गाड़ी, क्या वो आगे गाड़ी जाएगा आगे जाएगा, कोई समझ में नहीं आ रहा है। देखिए इधर से भी बता, बर्फ बहुत ज़्यादा गिर रहा है इधर, ड्राइवर को बहुत बोला मैंने आगे जाने के लिए, लेकिन ड्राइवर नहीं जा रहा है, गाड़ी स्लिप हो रहा है। अभी क्या करें कोई समझ में नहीं आ रहा, रिटर्न जाना है या नहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो उधर वेट करके देखते हैं होता है क्या नहीं। कहाँ जाता है आगे? हाँ कहाँ जाएगा आज? गाड़ी नहीं जाएगा नहीं। अच्छा
क्यों स्लिप हो जाएगा? स्लिप बहुत स्लिप हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तो अभी कम है ना, जैसे कि 1 किलोमीटर आप जाओगे तो उससे ज्यादा होगा। अच्छा, फिर ये बढ़ जाएगा, मतलब अगर यहाँ 1 इंच है तो खान साहब में 2 इंच हो गए। ऐसा है क्या? हाँ, तो अभी थोड़ी दूर इस स्नो का मजा लेंगे इधर, फिर रिटर्न जाएंगे श्रीनगर। वाह, जोरदार स्नो हो रहा है यार। दूधपत्री से अभी हम श्रीनगर आ गए और ये दाल लेक है, और दाल लेक अभी फ्रीज हो गया है, स्नोफॉल इधर भी हो रहा है दाल लेक पे। और अभी हम लंच करेंगे, लंच करने के लिए इधर एक फेमस रेस्टोरेंट है, प्योर वेज है वो भी, वो वेज रेस्टोरेंट का नाम है राजा ढाबा, ये जो दिख रहा है यही है। अभी हम लंच करने जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं, अभी लंच करेंगे। इधर भी स्नोफॉल हो रहा है, आगे क्या करने वाले हैं पता नहीं है, बताता हूँ। यही है राजा ढाबा, इधर भी खाना बहुत अच्छा है, पूरा फ्रीज हो गया इधर। तो चलिए अभी राजा ढाबा चलते हैं। और ठंडे इधर, देखिए इसमें पूरा हड्डी फट गया, देखिए दिख रहा है पूरा फट गया। पनीर बटर मसाला, तंदूरी रोटी, सलाद और कश्मीरी पुलाव आने वाला है। खाना हो गया, अभी बाहर बर्फ पड़ रहा है, देख स्नोफॉल हो रहा है अभी। ये हमारा घर, ये देखिए, ये देखिए बर्फ गिर रहा है, हाथ दुज रहा है, हाथ भी दुज रहा है, बर्फ ज्यादा हो गया अभी। तो चलिए अभी होटल चलते हैं, होटल बुकिंग नहीं किया, होटल जाके देखते हैं कौन सा होटल लेना है। होटल पे आ गए अभी, उसी होटल पे रह रहे हैं हम, 3 दिन से इसी होटल पे रह रहे हैं। बहुत ठंडा है भाई इधर, तो सब फ्रीज हो गया अभी, इधर भी पूरा बर्फ हो गया अभी। अभी हम श्रीनगर से चेकआउट कर लिए और अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स पहलगाम। पहलगाम में चेक इन करेंगे, होटल हमने लिया नहीं है, उधर ही जाके वॉक इन करेंगे। अगर आप विंटर में प्लान कर रहे हैं, इट्स बेटर नॉट टू प्री बुक योर होटल्स, आप वॉक इन ही करिए वही ठीक है, क्योंकि वेदर पैटर्न्स बार बार चेंज हो जाते हैं। सो होटल बुक करेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। अभी पहलगाम का हाईवे है, पहलगाम का हाईवे पूरा बर्फ़ है, सिर्फ हाईवे रोड ही दिख रहा है, बाकी सब जगह पूरा बर्फ ही बर्फ़ है। मैं आपको मीन्स इस कैमरा से बताता हूँ, दूसरे कैमरा देखिए पूरा बर्फ़ है। पहलगाम में नीचे होटल से ऊपर भी होटल से, अगर गाड़ी ऊपर नहीं जा रहा है तो आपको नीचे होटल लेना पड़ेगा, अगर गाड़ी रोड क्लियर है तो फिर आप ऊपर गाड़ी लेके जा सकते हैं। हमने दोनों ऑप्शन रखे हैं, नीचे भी होटल देके रखा हूँ और ऊपर भी होटल देके रखा हूँ, दोनों का डिस्टेंस करीबन 15 किलोमीटर का होता है। अभी न्यूज़ आया कि उधर रोड क्लियर करें, पूरा बर्फ़ है, रोड क्लियर कर रहे हैं, अगर रोड क्लियर हो गया तो हमारी गाड़ी लेके हम ऊपर डायरेक्टली ऊपर जाएंगे, नहीं तो फिर हम नीचे ही रूम लेंगे और उधर से चेन वाली गाड़ी लेके ऊपर जाएंगे। अभी पहलगाम जाने के रास्ते में बहुत सारे केसर के दुकानें आते हैं, ये लाइन पे पूरे केसर के दुकानें ही हैं, ये देख रहे हैं आपको पूरा केसर का दुकान है इधर सब, देखिए आपको फ्रंट में कैमरा दोबारा करके। ये सब केसर के दुकानें हैं, ये बहुत फेमस है, आपको केसर लेना तो आप इस रूट पे लीजिए। तो चलिए अभी निकलते हैं पहलगाम के लिए केसर लेके, मिलता हूँ मैं आपको अभी पहलगाम में। श्रीनगर से पहलगाम जाने के रास्ते में अवंतीपुरा रुइंस आता है, बहुत ज़ोरदार जगह देखने के लिए, आप वो जगह भी जा सकते हैं, एन रूट पे ही आता है, अभी हम उधर ही आए हैं, यही है अवंतीपुरा रुइंस। चलिए अभी अंदर चलते हैं और हम बताते हैं आपको।
एंट्री टिकट्स है और इधर लिखा है इस टेंपल का हिस्ट्री, देखिए अवंती स्वामी टेंपल अवंतीपुर, दिख रहा है साफ दिख रहा है ना, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अभी मैं आपको टेंपल बताता हूँ, पूरा भरोसा इधर भी। पकड़ के चल पूरा स्लिपरी। देखिए बच्चे भी खेल रहे हैं, अरे बाप। बहुत ठंडे इधर। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा जम गया इधर तो। देखिए पूरा शुरू ही पूरा जम गया है। बहुत मस्त जगह है, सोलगाम जा रहे तो इस जगह को पक्का देखना, कोई विंटर में देख रहे हैं तो विंटर में आ रहे तो और भी जबरदस्त है जगह तो। पूरा रुइंस हो गया है, बहुत जोरदार जगह है। आप श्रीनगर से पहलगाम जा रहे हैं तो इसको कवर करके ही जाना। अभी हम पहलगाम निकल रहे हैं तो चलिए अभी चलते हैं। अभी रेलवे गेट पे खड़े हैं, पहलगाम जाने के रास्ते पे एक रेलवे गेट आता है, उधर हम खड़े हैं। और अभी ट्रेन भी आने वाला है, मैं आपको ट्रेन बताता हूँ। अगर आपको ट्रेन का एक्सपीरियंस भी करना है ना तो आप रिटर्न आने के बाद पहलगाम से आप अनंतनाग से लेकर श्रीनगर तक ट्रेन ले सकते हैं, इधर ही स्टेशन है, आप उसका भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। गाड़ी को इधर से भेज दीजिए, वो श्रीनगर आ जाएगा। आप इधर से स्टेशन से चढ़ के गाड़ी ट्रेन पर चढ़ जाइए स्ट्रेट टू श्रीनगर, आपका ट्रेन का एक्सपीरियंस भी अच्छा जोरदार होता है, मज़ा आ जाएगा आपको करना है तो। अभी ट्रेन आने वाली है, आगे ट्रेन आगे 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 ट्रेन आगे, दिख रहा है आपको ट्रेन, ट्रेन का एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है, व्यू आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। इधर भी पूरा स्नो ही भरा पड़ा है, दिख रहा है। यही रूट से जाते हैं हम पहलगाम को, आगे ट्रेन। ये जा रही है टूवर्ड्स बारामूला श्रीनगर, उस रूट से जा रही है। चलिए अभी गेट खुल जाएगा और निकलते हैं टूवर्ड्स पहलगाम। सो ऑन दी वे पे एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट आता है जो बहुत फेमस भी है और खाना भी अच्छा है, और वो है एवरग्रीन रिसोर्ट। इधर लिखा देखिए, आपको मैं सामने से बताता हूँ, ये एवरग्रीन रिसोर्ट 100% प्योर वेज है। आपको वेजिटेरियन ट्राई करना है, प्योर वेज चाहिए तो आप इधर आ सकते हैं। तो अभी हम इधर लंच करेंगे, इधर भी पूरा बर्फ ही बर्फ है। इधर गरम गरम पकौड़े सब मिलेंगे आपको। चलिए जल्दी से लंच करते हैं अभी, फिर आगे बैठेंगे। वेलकम, पहुंच गए। पहुंच गए हम पहलगाम। पहलगाम पे इधर एक जगह है फ़ोटो शूट करने के लिए, सुपर जगह है, बताता हूँ मैं आपको।
उधर खाना हमने नीचे जो आपको बताया था एवरग्रीन रिसोर्ट पे, उधर वेजिटेरियन है, खाना अच्छा था। उसके ऑपोजिट में ही एक और रेस्टोरेंट है, एग्जैक्टली ऑपोजिट में ही है, उधर नॉनवेज मिलता है। अगर आपको नॉनवेज चाहिए तो आप उधर ट्राई कर सकते हैं। इधर बर्फ़ करीबन 1 फीट का बर्फ़ है, आपको अभी बताता हूँ। अभी होटल हमने चेक इन नहीं किया है, एक फ़ोटोशूट का जगह है, अच्छी जगह है, सेल्फी पॉइंट पे इधर, और बर्फ़ करीबन 1 फुट का है, इतना पैर अंदर जाता है। देखिए ये देखिए, गया इतना गया अंदर, देखिए खड्डा। ये फोटोशूट करने की जगह, बहुत ठंडा है भाई इधर, इट्स वेरी कोल्ड। पानी का फ्लो कम है, सो राफ्टिंग नहीं होगा इधर। इसका राफ्टिंग पॉइंट है बहलगाम में, क्या है, ऊपर भी होटल से और नीचे भी होटल से। नीचे अगर गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ रही है, लाइक बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, तो आपको नीचे होटल लेना पड़ेगा और ट्रेन गाड़ी लेके ऊपर आना पड़ेगा। अगर बर्फ़ कम हुआ पर आ सकते हैं। अभी थोड़ा फोटोशूट करेंगे फिर होटल चलेंगे। पहलगाम में हमने रूम ले लिया, वो रूम मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। और पहलगाम से हमने टैक्सी स्टैंड से जाके गाड़ी बुक किया है, अलग गाड़ी, चेन वाली गाड़ी। इधर बहुत बर्फ़ है इसलिए अलग गाड़ी लेना पड़ता है, और प्राइस भी फिक्स है। ये देखो इधर साइड में, सो इधर बहुत ये गाड़ी का फिक्स रेट है। उधर डिस्प्ले में लगा है, बोर्ड सब रेट लगा हुआ है, सो उसके हिसाब से ही चलता है। अभी ओरो वैली तो बंद हो गया, पूरा बर्फ़ है इसलिए बंद कर दिया। फिर बेताब वैली अभी हम आए, और चंदनवाड़ी भी बंद है, पूरा बर्फ़ है इसलिए वो बंद हो गया। देखिए व्यू, देखिए कैसा है बेताब वैली, देखिए। ये देखिए, इसे स्लेज के गाड़ी पे भी लेके जाते हैं, जिसका आपको चाहिए तो ले सकते हैं, बहुत बार्गेन करना पड़ता है। 500 रुपये फिक्स है, लेकिन इधर 1200 रुपये से पूछते हैं। आप 500 रुपये डिस्काउंट बार्गेन करके आप ले लीजिए अगर लेना है तो, नहीं तो फिर आप पैदल ही आ सकते हैं। जस्ट बूट्स ले लीजिए, बूट का 150 रुपया लेता है, 100 रुपया लेता है, वो भी बार्गेन करना पड़ता है। पैदल जा सकते हैं, हाँ। ये देखिए, ऐसे कोई लोग पैदल जा रहे हैं, कोई लोग स्लेज की गाड़ी लेके जा रहे हैं। बहुत ठंड है इधर, बेताब वैली आगे इधर। आप मेरी बात माने तो, अगर आप तगड़े हैं चलने में तो आप स्लेज की गाड़ी लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली वॉक करके आ जाइए। अगर आपके पास एक बूट्स नहीं है तो आप इधर भाड़े में बूट्स ले लीजिए, वो 150 रुपये कुछ लेता है, क्योंकि इधर बर्फ़ करीबन 3 फुट का बर्फ़ है। देखिए आगे से बताता हूँ मैं आपको, वही है बेताब वैली। देखिए ऐसे बूट्स मिलते हैं इधर, आप ऐसे बूट्स लेके आ सकते हैं, पहन लीजिए। इधर टिकट लेना पड़ता है। टिकट काउंटर, एंट्री फ्री, एडल्ट का 100, चाइल्ड का 50 है। थोड़ा आगे आगे है पैदल, बता वैली के पास आगे, वैली के पास एक कैफेटेरिया भी है, आपको कुछ गरम गरम चाहिए तो मिल जाएगा, बता दूँ आपको। पाइनल कैफे एंड रेस्टोरेंट, और बता वैली सामने। बाप रे बहुत ठंड इधर, ये देखिए छत, देखिए छत के हाइट के इतना बर्फ़ है, फुल बर्फ। विंटर में ही आना है, समर में ना आना है। अगर तगड़े हैं तो विंटर में ही आइए। मैंने डिस्क्रिप्शन में बोट ट्रैवल रिलेटेड प्रोडक्ट्स का लिंक्स दिया हूँ, जो आपका बहुत फ़ायदा हो सकता है, आप ज़रूर देखना, विंटर के लिए, समर के लिए, जो भी आपको जो चाहिए उसमें से ले लीजिए, बहुत यूज़फुल होगा आपको। यही है बेताब वैली, आगे हम। वाह,
वाह जोरदार दिख रहा है भाई। ये देखो भाई ये बेटा वैली, तो हाँ सामने भी रेस्टोरेंट है। सब स्लेज वाले इधर खड़े हैं। इरा भागना इरा ओ इरा पेयर डूंगा इरा आपका साथ कौन है? आइलैंड अमिस सर आप दोनों आज आप तो बनाए बाप रे क्या जगह दिख रहा है यार, तो पैराडाइज है। वाह आई वुड से इट्स मच बेटर देन गुलमर्ग। हां उधर तो वैली कुछ भी नहीं है, इधर तो अलग ही दिख रहा है भाई। ये देखो अयो ऊपर चढ़ेंगे पूरा बर्फ ही बर्फ होगा। अयो इतना गया अंदर, इतना पैर गया अंदर बाप रे। ए इधर भी है ये देख लो। बाप रे देखो मेरा पेड़ देखिए पूरा चला गया अंदर। गया अंदर सर यहाँ से आके यहाँ से इतना करीबन दो फीट पैर अंदर गया ना। अभी एक गरम गरम कश्मीरी कावा पी लिया है, अभी थोड़ा शरीर में थोड़ा एनर्जी आ गया है। ये तो नीचे पूरा पानी है, ये तो इससे आगे इससे आगे तो नहीं होगा। ए बस 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 इसे इतना ही है, इतना ही है। हाँ बस चलो आगे चलते हैं। वो जो दिख रहा है वही अम्यूजमेंट पार्क है, अभी रास्ता नहीं है सो वो बंद हो गया। हाँ आइलैंड अम्यूजमेंट पार्क इधर क्या ना बोर्ड पे कुछ एक्टिविटीज होगा गेम्स और क्या। ये लिखा है, ये लिखा है क्या अम्यूजमेंट पार्क, वो उस साइड है, वो उस साइड जाना है। वो बंद है रास्ता, बंद है पूरा बर्फ से इसलिए रास्ता नहीं है। पैराडाइज है तो है ना, इज़न्ट इट जन्नत है। बेता वैली हो गया, अभी इससे आगे हम इधर वेट ही नहीं कर सकते। बाप रे हाथ पूरा फ्रीज हो गया, अभी जल्दी निकलना है इधर से होटल पे, थोड़ा हीटिंग करना है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ठंड है इधर, मौसम पूरा चेंज हो गया है। देखिए मार्केट के पास ही है एक होटल, ये है रिवर एज बोल के, अभी उधर चलेंगे फिर आपको मैं रूम भी बताता हूँ। और इधर दो तीन रेस्टोरेंट्स बहुत फेमस है प्योर वेजिटेरियन के लिए। एक है पूनम जो नीचे था एवर ग्रीन रिसोर्ट, उन्हीं का है पूनम, मार्केट में ही है। और एक और है धारा पानी, दोनों प्योर वेजी है। आपको डिनर लंच करना है तो आप मार्केट में आके कर सकते हैं, वैसे होटल वाले तो ब्रेकफास्ट और डिनर कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। तो चलिए अभी रूम में चलते हैं। बाप रे बहुत मुश्किल है भाई विंटर में एक्सप्लोर करना, हो ही नहीं रहा है, माइक मोबाइल फोन्स सब बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है, पावर बैंक भी जल्दी ड्रेन हो जाता है, सब साथ में लाना पड़ता है। और मेरा गिम्बल तो काम ही नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने ट्राइपॉड से यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा शेक आ रहा है वीडियो में। और लाइव बोलना तो बहुत मुश्किल है। व्यू देखिए पूरा बर्फ ही बर्फ है। होटल पे आ गए अभी, मार्केट से थोड़ा सा वॉकेबल ही है, यही है दी रिवर एज होटल है। आइए अभी आपको रूम भी बता देता हूँ। इधर ही पूरा बर्फ़ हो गया है। ये रूम हमें मिला है 4500 विथ ब्रेकफास्ट एंड डिनर, हीटिंग भी है रूम में। वाईफाई भी है इधर। ये डाइनिंग एरिया इधर,
और यही है हमारा रूम। ये बाथरूम देख लीजिए, बाथरूम भी नीट है। ये रूम है और हीटिंग भी है इधर। अभी इधर रश करेंगे, अगर आपको इधर डिनर तो हम इधर ही करेंगे, और अगर आपको डिनर मार्केट में करना है तो दो होटल मैंने आपको बोल दिया, एक पूनम बोला है, एक ढाबा रानी बोला है। ढाबा ढाबा कौन सा है वो? ढाबा रानी ना, हाँ हाँ ढाबा पानी, उसके बाजू में सागर रत्न भी है, वो भी वेजिटेरियन ही है। सो ऑप्शंस आर देयर, आप उधर ट्राई कर सकते हैं। मार्केट में पोस्टपेड ही चलता है इधर, और एयरटेल पोस्टपेड सबसे बेस्ट है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ। सिग्नल भी बहुत अच्छा आ रहा है ऑल ओवर द कश्मीर, एज वेल एज डेटा भी मिल रहा है। उसके बाद जियो, उसके बाद BSNL, वो तो बकवासी है, खामी बराबर नहीं कर रहा है। आप एयरटेल पोस्टपेड लेके आएंगे तो ठीक रहेगा। हम कश्मीर पूरा एक्सप्लोर कर चुके हैं, और भी कर रहे हैं, और कभी कहीं भी हमको एयरटेल का नेटवर्क ऐसा नहीं कि मिला नहीं, सब जगह मिला और डेटा भी फास्ट है। सो आप एयरटेल पोस्टपेड लेके आएंगे तो ठीक रहेगा। ओके, ये हो गया। अभी हम उधर से होटल चेकआउट कर रहे हैं। सो राइट नाउ हमने पौने घोड़ा बुक किया है, एक घोड़ा का वो लोग बोलेंगे 3,000 बोलेंगे, 2,500 बोलेंगे, 2,000 बोलेंगे, आपसे जितना बार्गेन हो सके बार्गेन कर दीजिए। उससे पहले आप लोकेशंस पूछ लीजिए, कहाँ कहाँ जाना है, मिनी स्विट्जरलैंड, बैसारन, वो सब जगह कहाँ कहाँ जाना है, वो आप लिस्ट ले लीजिए। सो उसके बाद घोड़े वाले से बुक करके आप जाना तो जाइए, जाके आने में लगभग आपको 3 आवर्स लग जाएगा। सो हमने घोड़े वाले से 1200 में बुक किया है एक घोड़े का, इससे कम तो करते नहीं है, बहुत बार्गेन कर दिया मैंने। 800 से स्टार्ट किया था तो 1200 में निबड़ा, उन्होंने 3500 से स्टार्ट किया था, सो 1200 में आके ख़त्म हुआ है। सो अभी हम घोड़े पे जाएंगे, मिनी स्विट्जरलैंड तक जाएंगे, बैसारन जाएंगे, सब देख देख के फिर रिटर्न आके उसके बाद हम अहरबल वाटरफॉल जाने का प्लान है। उधर बहुत बर्फ़ पड़ रहा है, सो जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं, वो उधर जाके डिसाइड करेंगे। उसके बाद बैक टू श्रीनगर। तो चलिए अभी घोड़े में चलते हैं और आपको घोड़े में सवारी का व्यूज़ भी बताते हैं। हाउ दी होटल? होटल तो अच्छा था एकदम, होटल अच्छा है, वाईफाई भी है, आपको एक्स्ट्रा बेड के साथ लंच डिनर के साथ खाना भी, ब्रेकफास्ट एंड डिनर के साथ खाना भी अच्छा था, और रूम में हीटिंग भी है। मुझे 4-5 मिला था नेट, आपको चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मार्केट अच्छा थोड़ा सा दूर है, लाइक 2 किलोमीटर्स दूर है, एक गांव में आता है, अच्छा है वो भी, सर्विस भी अच्छा था। हाँ सर्विस भी अच्छा था। अभी हम चलेंगे घोड़े पे, घोड़े वाले आ गए अभी, तो अभी चलेंगे बैठेंगे। इसको पहलगाम वैली कहते हैं। ये पहला पॉइंट आ गया हम। देखो घोड़े वाले कुछ झगड़ा कर रहे हैं। अभी जो है हम सेकंड पॉइंट पे आए हैं, ये कश्मीर वाली है। इधर ही 1992 कौन से साल पे आया था, 92 इधर ही 92 में एक क्लाउड बस्ट हुआ था, पूरा ख़त्म हो गया था ये वैली, यही वो जगह है। और ये माउंटेन है, इस माउंटेन के पीछे श्रीनगर है, शंकराचार्य मंदिर है। अच्छा इसके पीछे ये क्या, अच्छा इसके पीछे ये शंकराचार्य टेम्पल और श्रीनगर आता है इसके पीछे ही है, ये जो लोकल गाइड है वो बोल रहा है। अच्छा ठीक है, कितने टूरिस्ट है इधर? अच्छा ये यही है हमारा, हमारे साथ आ रहे हैं, अच्छा बात कर रहे हैं। चलिए अभी आगे चलते हैं। ये देखिए अभी मिनी स्विट्जरलैंड आने वाले हैं, और व्यू देखिए, अभी थोड़ा चढ़ाई है, ये दबियान है, दबियान एक व्यू पॉइंट है, इधर रात को जंगली जानवर पानी पीने आते हैं। ए बाप रे घोड़ा कैसे चढ़ रहा है देखो, अयो क्या ग्रुप है भाई, वाह बहुत ठंड है। अभी व्यू बताता हूँ, अभी देखिए लो पहुँच गए मिनी स्विट्जरलैंड, इधर टिकट लेना पड़ता है, इसी को मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। इसके अंदर अभी जाएंगे, हाँ मज़ा आ गया भाई, विंटर में ही आना है, मैं दोबारा बार बार कह रहा हूँ, विंटर में ही आना है, समर में नहीं आना है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। अगर आप कर सकते हैं तो आ जाइए, और एक और चीज़ भी बोल देता हूँ, अगर आप तगड़े हैं तो आप खुद की गाड़ी लेके आ जाइए, या इधर रेंट पे मिलती है गाड़ी जो कि 5,000 लेता है महिंद्रा थार का,
आप वो भी लेके आ जाइए अगर आप अच्छा एक्सपोर्टर चलाने में, आपका बहुत सस्ता काम हो जाता है। अगर आप कैब लेंगे ना तो कैब वाले बहुत हिडन चार्जेस भी डालते हैं और कहीं जगह जाते भी नहीं है, सब बहुत लबड़ा है और कुछ ड्राइवर सब डर भी डरते हैं चलाने के लिए बर्फ़ में। कार 4x4 बेस्ट है, वो लेके आ जाए 5000 लेते हैं एक दिन का, कितना चलाना चला लीजिए। अभी अंदर चलेंगे हम, इसी को मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। बैसारण वैली है, बैसारण है, इधर पे ज़िपलाइन भी है, एक बंदे का 350 लेता है। इधर कैफेटेरिया भी है, कुछ रेस्टोरेंट्स भी है, इधर स्लज भी है और ज़िपलाइन उधर है। चलिए हम ज़िपलाइन भी करेंगे, अभी देखते हैं कैसा है ज़िपलाइन। जोरदार है यार, देखो व्यू देख लो आप, दिस इज़ मिनी स्विट्ज़रलैंड एंड रियल नेम तो बैसारण बोलते हैं इसे, टूरिस्ट लोगों ने मिनी स्विट्ज़रलैंड नाम रख दिया इधर। चलिए अभी ज़िपलाइन करने चलते हैं, सब रेडी हो गए, एक जना का 350 लेते हैं। तो चलिए, अरे बाप रे, जोरदार है भैया, क्या ब्रेक लगाया है यू। आराम से बैठो। हो गया ज़िपलाइन, मज़ा आ गया ज़िपलाइन में। ज़िपलाइन होने के बाद हमें पैदल जाना पड़ता है, देखिए ऐसा है रास्ता। बैठो साहब। कहाँ बैठो? गाड़ी पर। नहीं चाहिए यार, ये देख छोटा रास्ता क्या हुआ है, इसी रास्ते से बैक टू एंट्रेंस तक जाना है। बीच में लोग खड़े हैं आपके स्लेज में ले जाने के लिए, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप आराम से पैदल ही जा सकते हैं। स्लेज वाले लोग बीच में खड़े हो जाते हैं, बैठ जाइए बोल देंगे, फिर पैसा लूट लेंगे, तो रास्ता ही नहीं देंगे जाने के लिए। बैसारण हो गया, मिनी स्विट्ज़रलैंड कर दिया हमने, एक्सक्लूसिव जगह है वो तो, ऐसा मस्त सी प्लेस ही मैं बोलूँगा वो। आप घोड़े वाले से बात करेंगे तो 3 पॉइंट में मिला के कर देगा आपको, एंट्रेंस जैसा गेट है सो आपको पता चल जाएगा, वो लिखा हुआ है बैसारण मिनी स्विट्ज़रलैंड। अभी नीचे उतर रहा है, घोड़ा बहुत डेंजर लग रहा है, बाप रे मैं आपको बताता हूँ, स्लिप हो जाता है, डर लगता है। ऊपर चढ़ने के बाद तो कोई मुश्किल नहीं पड़ा, अभी नीचे जा रहा है तो डर लगता है कि कहीं स्लिप हो जाएगा, दिख नहीं रहा है सही। भाई दोनों लड़ाई कर रहे हैं, घोड़े वाले घोड़ा घोड़ा लड़ाई कर रहा है, बाप ये पूरा देखे ना, ये पूरा नीचे जा रहा है, वीडियो में साफ नहीं दिख रहा होगा, पूरा नीचे जा रहा है और घोड़ा अच्छा बैलेंस करके निकल रहा है नीचे। हमें क्या करना है, पीछे जाना है और पैर को आगे करना है, नहीं तो सीधा आगे गिरोगे। घोड़ा कहीं चला गया, कंट्रोल से बाहर हो गया। इसको पकड़ के रखना पड़ता है, पैदल भी आ सकते हैं लेकिन कोई पैदल नहीं आ रहे हैं, सब घोड़ा का सवारी ले रहे हैं। बहुत बार्गेन करना पड़ता है लेकिन घोड़ा का सवारी में मज़ा अलग है, पैदल थोड़ा मुश्किल होगा, ऑलरेडी टायर्ड होंगे सो पैदल आने में मज़ा नहीं, घोड़ा में आएंगे तो आराम से आ जाएंगे और मज़ा भी आता है। अच्छा घुमाना पड़ता है,
घोड़े को पूरा जान चाहता है मैं कहां से चलूं मैं ये पूछ क्रिया हो दे पूछ क्रिया हो और घोड़े वाले हबे हमें अभी सीधा पलगाम बस स्टैंड के पास छोड़ देगा। उधर हमारा गाड़ी रेडी है, लगे सब गाड़ी पर ऑलरेडी रख चुके हैं। सो उसके बाद अभी हम अहरबल वाटरफॉल जाएंगे। लोकल्स इधर के बोल रहे हैं कि अहरबल वाटरफॉल में पूरा स्नो है, रोड ही बंद हो गया है, सो नहीं हो पाएगा। मैंने ड्राइवर को कहा है कि नहीं होता तो भी हम जाएंगे, आप जितना हो सके जाइए, आगे देखते हैं होता है क्या नहीं। सो इसके बाद जाएंगे अहरबल वाटरफॉल। हो सके तो हम ट्रेन का एक्सपीरियंस करेंगे, अनंतनाग से हम ट्रेन ले लेंगे और श्रीनगर पहुंच जाएंगे और गाड़ी वाले को बोल देंगे कि स्ट्रेट आ जाना तुम श्रीनगर, हम ट्रेन में जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। आगे वीडियो में बने रहिए, फॉरवर्ड मत कीजिए, देखते रहिए आगे क्या होता है, पूरा डिटेल बताऊंगा मैं आपको। यो घोड़े पे बैठ के पीछे से दुख रहे इसलिए मैं उतर गया और घोड़े के मैं साथ में लेके आ रहा हूँ और पहुँच ही गए हम। अगर आप चाहें तो आपको, अगर आपको घोड़ा नहीं लेना है तो आप पैदल भी आ सकते हैं, लगभग सेम टाइमिंग ही लगता है, 3 आवर्स ही लगता है जाने आने में और उधर 1 आवर टाइम स्पेंड करने में। जो घोड़े का रूट है आप उसी के साथ पैदल जा सकते हैं, आपका घोड़ा का पैसा बच जाता है। मेरे साथ तो घोड़े लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत दूर भी नहीं है, बाजू में ही है, आराम से जा सकते हैं। अगर नहीं होता तो फिर आप घोड़ा ले लीजिए, 1000 से 1200 लेते हैं विंटर में, और अगर आप समर में आते हैं तो 2000 से 2500 तक लेते हैं, क्योंकि समर का पीक सीज़न होता है और विंटर में नहीं होता है। ये देखो भैया घोड़े को लेके जा रहा हूँ मैं, हाय बोलो, हाय हाय। हो गया ये काम अभी तो, अभी हमारी गाड़ी खड़ा है उधर, तो अभी देखते हैं, अभी स्ट्रेट अनंतनाग जाएंगे, उधर ही डिसाइड होगा और बोल जाएंगे या नहीं। तो चलिए चलते हैं। लो भैया ले लो घोड़ा आपका, हो गया। पहलगाम से हम अहरबल वाटरफॉल आए अभी और इधर का व्यू ऐसा है, देखिए रोड देखिए कैसा है। ये रोड भी पहलगाम के लिए जाता है लेकिन ये रोड बंद हो गया है अभी, सो पूरा बर्फ़ है इसलिए ये रोड नहीं यूज़ कर सकते, हमें दोबारा इसी रोड से जाना पड़ेगा रिटर्न। ये हमारा गाड़ी इधर खड़ा है, तो चलिए अभी अहरबल वाटरफॉल, अभी अहरबल वाटरफॉल चलते हैं। हाँ जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी करेंगे, आप गाड़ी घुमा दो। हाँ हाँ हाँ, बहुत स्लिपरी है भाई इधर, इट्स वेरी स्लिपरी। ये देखिए हटबंड एरिया, पब्लिक कन्वीनियंस, जील शाह पार्क, और इधर लिखा हुआ है वे टू वाटरफॉल। चलिए भाग के चलते, अभी 5:30 हो गया, टाइम हो गया, हमें दोबारा श्रीनगर पहुंचना है। देखा व्यू, देखा आपने, पूरा बर्फ ही बर्फ दिख रहा है। और पहलगाम से आने के बाद आप अहरबल वाटरफॉल भी जा सकते हैं, थोड़ा सा अंदर आना है, लाइक 70 to 80 kilometers एक्स्ट्रा लगेगा। सो आप आके फिर अनंतनाग से आप श्रीनगर जा सकते हैं। कोई कोई ड्राइवर एक्स्ट्रा भी लेता है इधर आने के लिए, एक दिन में करने के लिए। इधर कैफेटेरिया भी है, इधर टिकट भी है, 10 रुपये का टिकट। इस तरफ से अंदर जाना है, इधर पूरे सीढ़ी लगे हुए हैं जो कि दिख ही नहीं रहा है, एक बार तो मैं गिर भी गया हूँ। पूरा सीधा ही है, स्ट्रेट, आराम से, बहुत स्लिपरी। हाँ बहुत स्लिपरी है अभी, ये देखिए इधर से कुछ दिखता है, वाह आगे नज़दीक आगे, हम पकड़ के चलना पड़ता है। ये है अहरबल वाटरफॉल, कैसा दिख रहा है ना, मस्त। थोड़ा सा और आगे जाना है, चलते हैं।
आगे वो छोटा वाला और ये बड़ा वाला कैसा दिख रहा है? वाह पानी बहुत जोर से आ रहा है, अभी सीजन में नहीं है पानी इतना जोर से आ रहा है। वाह इधर कुछ बैठने के लिए जगह है, थोड़ा लगभग गाड़ी पार्क करने से एक किलोमीटर का ट्रैक है, थोड़ा नीचे उतरना है, एक किलोमीटर का है शायद, तो वो करने के बाद आप इस जगह पे वहाँ पहुँच जाएंगे। डोंट स्टेप बियॉन्ड दिस वे, इट इज़ डेंजरस। हाँ इस तरह देखिए, वाह वेलकम जा रहे हैं, तो अर्बन वाटरफॉल पक्का देखना, मिस मत करना, बहुत जोरदार जगह है। तो चलिए अभी अभी हम होटल चलेंगे, वेलकम जाएंगे। रोड पूरा स्लिपरी रोड है, पता नहीं कैसे चला के जाएंगे ड्राइवर, उधर जाएंगे अभी फिर होटल बताता हूँ मैं आपको। पहलगाम से अहरबल जाके आने में 9 बज गया, अभी टाइम हुआ है 9 PM हो गया है, और हमने ओपेरा इन पे चेक इन किया है। ये लगभग दाल लेक से एक 5 किलोमीटर दूरी पे है, आपको मैं रूम बताता हूँ। आइए, ये भी सेंट्रली हीटेड है, वो हीटिंग का मशीन उधर लगा हुआ है। ये भी हमने विदाउट ब्रेकफास्ट और डिनर वी गॉट इट फॉर नेट 4000 एक्स्ट्रा बेड के साथ, एक्स्ट्रा बेड इस तरफ है। ये फैमिली सूट है, फैमिली सूट है। और इधर भी बाथरूम है। ये बहुत थक गया भाई, ड्राइवर तो बहुत डर ही गया था, तो पूरा बर्फ़ था वो अहरबल का रोड पे, सो ड्राइवर बहुत टेंशन हो गया। और रिटर्न में पूरा रात में हम निकल के आए, रोड पूरा एकदम थिक आहिस्ता जैसे पत्थर की तरह आहिस्ता, इसलिए ड्राइवर गाड़ी स्किट हो रहा था, लेकिन धीरे 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 मैप डाल के ड्राइवर को रास्ता भी भूल गया था, वो उसको कंफ्यूज हो गया कौन सी रूट से जाना है, तो हमने मैप डाल के दिया, तो उस मैप के हिसाब से हम निकल के हाईवे पकड़ के श्रीनगर आ गए। अभी हम श्रीनगर से सोनमार्ग जा रहे हैं, अभी 11 क्या टाइम है, अभी 10:30 हुआ है, और आज का डेट है 16th January, और कंडीशन ऐसा है, थोड़ा धूप भी है अच्छा भी है। अभी सोनमार्ग से आधा रास्ते आके, आधा रास्ते आने के बाद ब्रेकफास्ट करना था, सो इधर एक रेस्टोरेंट है, प्योर रेस्टोरेंट का नाम है राजा ढाबा, ये वही रेस्टोरेंट है जो श्रीनगर में है, दोनों एक ही है, और इधर आपको प्योर वेज ही मिलेगा। सो आपको अगर ब्रेकफास्ट करना है एन रूट पर, तो आप राजा ढाबा पर आके कर सकते हैं, ये अच्छा है, खाना भी अच्छा था, श्रीनगर में भी अच्छा था, इधर भी अच्छा है। चलिए तो अभी हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे सोनमार्ग, सो मैं आपसे सोनमार्ग में मिलूँगा, आज पूरा दिन सोनमार्ग एक्सप्लोर करेंगे। जो ब्रेकफास्ट हो गया अभी, ये जो राजा ढाबा है गुलमार्ग में है, पहलगाम में है, सोनमार्ग में है, और श्रीनगर में भी है। आपको इनका खाना पसंद आता है तो आप सब जगह इन्हीं का ट्राई कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं सोनमार्ग आगे, इसे आगे हमारा गाड़ी नहीं जा रहा है, तो हमने बाहर से एक गाड़ी लिया है, इधर लोकल गाड़ी लिया है, वो 3 गुना रेट बोलेंगे आपसे। अभी विंटर है इसीलिए गाड़ी नहीं जाता है, अगर आपकी गाड़ी अच्छा है तो आप छोटी गाड़ी लेके भी आप आ सकते हैं, नहीं तो चेन वाली गाड़ी लेनी पड़ती है, फोर टू फोर की गाड़ी चाहिए। अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो 3 गुना रेट बोलते हैं, सीधा 6000 बोलेंगे, अच्छा बात नहीं करते, 2000 में आ जाएंगे, 2000 में मान जाएंगे, आपको फोन टू फोर लेके वाली गाड़ी मिल जाएगी। उस गाड़ी में आपको 4 या 5 पॉइंट बताएंगे, ये जो फर्स्ट पॉइंट है स्केटिंग पॉइंट है, वो आगे जाना है स्केटिंग पॉइंट के लिए। तो अगर आपको गोरा करना था तो गोरा में भी आ सकते हैं, गोरा में आने के लिए वो आपको 3000 मिलेगा, आप 3000 का आना वो मान जाएगा, बहुत लोगों ने 3000 दिया है गोरे के लिए, तो बहुत लूट हो रहा है। गाड़ी में आएंगे या गोरे में आएंगे 3 या 2 आवर्स लगता है, आपका 4 पॉइंट दिखा देगा, तो देखते हैं आप रिटर्न हो सकते हैं। और सोनमार्ग में 4 पॉइंट जाएंगे, उसमें तजवा ग्लेशियर भी आएगा, और इसे आगे जाएंगे तो जोजिला पास आता है,
जीरो पॉइंट अब है, जीरो पॉइंट तो बंद है, तो देख का रोड है इसलिए वो रोड बंद हो गया, तो जीरो पॉइंट नहीं होगा। तो अभी ये चार पॉइंट हम एक्सप्लोर करेंगे, दस पॉइंट है स्टडी पॉइंट, तो स्टडी पॉइंट लेके जाते हैं। यहाँ हमें बैटरी ने फ्लैट दिया है, ऊपर तक लेके जाएगा, तो ऊपर से नीचे आए तो ऊपर यहीं पर बजरंगी बजंग का शूटिंग हुआ था, छोटा सा सीन दे दिया हुआ है, बर्फ करीबन 3 फुट का है, बर्फ है पूरा फिर भी हम लोग ये देखिए बताता हूँ, ये देखिए छोटा देखो कितना गया अंदर अंदर उधर से देखो आउट ज़्यादा जाएगा पूरा यही वाला इधर वाला ना इधर ही हुआ था टॉप तक आ गया मार्क दे ब्लॉक ब्लॉक का नहीं एक ही बैठेंगे बच्ची बैठेगी और वो गाड़ी हमारा उधर है पूरा उधर जाएंगे आप इसे बैठ जाना चलो ऐसे ही करना है नाम थोड़ी क्या थे तुम करना भैया बनाओ वीडियो हाँ चालू है चालू है चलो 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 क्या स्पीड है देखो स्लेज का ए भागा हम तो जा ही नहीं पा रहे भाई मेरी फिसल गई नीचे मेरी बेटे से पहुंची गई तो पहला पॉइंट तो हो गया बहुत मज़ा आ गया था और ऊपर तक हमें ऊपर चढ़ के जाना है उसके बाद ऊपर से स्केटिंग करके उस स्लेज पे बैठ के स्केट करके नीचे आना है थोड़ा लंबा सफ़र है बहुत मज़ा आ जाता है सो फर्स्ट पॉइंट आप पक्का देखना मिस मत करना बहुत वर्थ है देखने के लिए अभी हम फर्स्ट पॉइंट ख़त्म हो गया सो अभी हम सेकंड पॉइंट जाएंगे तो चलिए अभी सेकंड पॉइंट के लिए निकलते हैं सेकंड पॉइंट भी आ गए और सेकंड पॉइंट में अगर आपको इसमें स्केटिंग करना है ना तो इसका अलग 200 रुपया लेता है ये फिक्सड है छोटा सा डिस्टेंस ही है लेकिन मज़ा आ जाता है पहले पॉइंट से सेकेंड पॉइंट आने में थोड़ा सा दूरी है बहुत दूर भी नहीं है आप ईजिली पैदल भी आ सकते हैं लेकिन आपने अपने गाड़ी बुक किया है तो गाड़ी में आ जाइए या तो फिर पौनी तो पौनी में आ जाइए अभी सेकेंड पॉइंट से हम बहुत ऊपर आ गए ऊपर एक झरना है जो अभी पूरा फ्रीज हो गया था सो दिख नहीं रहा था सो ऊपर से अभी नीचे आना है सो नीचे आने के लिए जो मेरे पीछे जो बंदा आ रहा है वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है वो बोल रहा है कि अब स्लेज में आइए बहुत मज़ा आएगा बहुत लंबा भी है एकदम स्पीड से जाता है तो इसलिए मैं थोड़ी दूर उसको छोड़ा नहीं वो मेरे पीछे ही आ रहा था वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था तो फाइनली मैंने इनसे स्लेज के लिए बुक कर दिया था 100 रुपये लिया था दो बंदे थे एक चलाता है और मैं बीच में बैठता हूँ और पीछे से ये धक्का मार देता है सो अभी हम जो देखिए पीछे आ गया देखिए वो स्लेज लेके तो अभी हम इस स्लेज में जाएंगे नीचे तक और देखिए मज़ा कितना आता है और क्या स्पीड से नीचे जाता है तो स्लेज में मैं बैठ गया और ये आगे वाले भाई ने तो मेरा पैर को टाइट से पकड़ लिया था और गाड़ी एकदम स्पीड से जा रहा है ओ साइड जाइए साइड 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 हो जाइए क्या करें इतना स्पीड से आ रहे भैया मुझे तो डर लग रहा है थोड़ा धीरे कर दो ये तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है तो एकदम स्पीड जा रहा है अभी रुक गया है थोड़ा अभी दोबारा सेटिंग कर रहा है और अभी दोबारा स्पीड लेने की ट्राई कर रहा है अभी स्पीड कर दिया उन्होंने स्पीड बढ़ गया गाड़ी का और पीछे से ये बंदा भी मुझे धक्का दे रहा है जोर से और मुझे कैमरा पकड़ने में थोड़ा मुश्किल हो गया स्पीड तो बहुत ज़्यादा हो गया अभी बीच में बहुत सारे बम्प्स भी आते हैं जो ऐसे रोते भी नहीं है ऐसे ही धक्का दे दिया तो ऐसे जम करके जाता है और उसका मज़ा अलग था पूरा शरीर में पेन आ जाता है वो मेरे पीछे से दबा रहा है शोल्डर को जोर से दबा रहा है भैया थोड़ा स्लो करो सुन ही नहीं रहा और एकदम जल्दी से नीचे उतर रहा है सबको चिल्ला रहा है जोर जोर से कि धक्का साइड जाओ क्या स्पीड है भाई मजा आ रहा है अभी स्लेज में मजा आ गया सेकंड पॉइंट है ये सेकंड पॉइंट ऊपर ट्रैक करके जाइए थोड़ा मुश्किल है और ऊपर से आप स्लेज में आइए 50 रुपये ही लेगा लेकिन 250 बोलेगा आपको 50 देना है बहुत बार्गेन करना है और ऊपर से आप नीचे स्लेज में आइए मज़ा आ जाएगा बहुत स्पीड से आता है क्योंकि डिस्टेंस भी थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए मज़ा भी अलग है सो अभी तो सेकंड पॉइंट हो गया अभी हम थर्ड पॉइंट जाएंगे
ये तीसरा पॉइंट है और पॉइंट का नाम पॉइंट है, इसको इसको फिश पॉइंट बोलते हैं। इधर एंट्री टिकट है 20 रुपया टिकट है। यही है फिश पॉइंट, इतना कुछ भी नहीं है इधर। ये फोर्थ पॉइंट है, ये देखिए यही है फोर्थ पॉइंट, ऐसे फोटो पॉइंट है और कुछ भी नहीं है इधर। फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट तो अच्छा था एंड थर्ड पॉइंट तो मतलब ही नहीं है, और फोर्थ पॉइंट फोटो पॉइंट है, आप अच्छे से इधर फोटो ले सकते हैं। सो चौथा पॉइंट हो गया है, अभी आगे देखते हैं क्या होता है आगे। तजवा श्लेषक खुला है क्या नहीं पता नहीं है, और जीरो पॉइंट भी क्योंकि वो सोनमार्ग जाने के रास्ते पे आता है जो कि ले जाता है, और लेकर तो बंद होता है। सो आई थिंक तजवा श्लेषक और जीरो पॉइंट बंद होगा, जो जिला पास से जाता है ना वो रोड बंद होगा। सो आई थिंक दोनों होगा नहीं, देखते हैं आगे जाके पूछेंगे। ये फोटो पॉइंट है, फोटोज़ ले सकते हैं आप, अच्छा है फोटो पॉइंट, फोटोज़ लेने के लिए अच्छी जगह है। सोनमार्ग आप डे टूर ही कर सकते हैं, इधर स्टे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इधर देखने के लिए बहुत जगह है ही नहीं है। पहलगाम आप स्टे करेंगे तो आप हर बल कवर कर सकते हैं, एक दिन में करेंगे तो बहुत टाइट हो जाएगा। आप स्टे मार के अगले दिन निकलेंगे तो हर बल देख के निकल सकते हैं, पहलगाम के लिए स्टे ठीक रहेगा, सोनमार्ग के लिए स्टे इतना ठीक नहीं है, डे टूर ही कर सकते हैं। चलिए अभी आगे इधर थोड़ा फ़ोटोशूट करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है, अगर हुआ तो तजवाज़ जाएंगे, नहीं हुआ तो फिर बैक टू श्रीनगर। चलिए तो देखते हैं क्या होता है अभी। अगर ये चार पॉइंट देखना है ना तो आप घोड़ा भी मत लीजिए एंड गाड़ी भी लेने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी वाले बहुत ज़्यादा बोल के कम करते हैं जो कि वो भी बहुत ज़्यादा ही है। मेरे हिसाब से तो आप ये चार ही पॉइंट वॉकिंग ही कर सकते हैं, बहुत नज़दीकी है। ठीक है अभी आगे जाके देखते हैं क्या होता है। वो जो ग्रीन बोर्ड दिख रहा है वही रोड से जाना है सोमा के लिए, और वहीं पे तजवाज ग्लेशियर्स एज वेल एज जोजिला पास का जीरो पॉइंट आता है। सो अभी तजवाज ग्लेशियर्स तो बंद है क्योंकि उधर कुछ लैंडस्लाइड हुआ है, सो इसीलिए तजवाज ग्लेशियर्स नहीं होगा। तो अभी सोनमार्ग से पहले एक लाइक 10 किलोमीटर्स पहले एक और जगह है जो बहुत ज़ोरदार जगह है, वो जगह आपको पक्का देखना ही है। उस जगह का नाम है गगनगिर बोलते हैं उसको, उसके अंदर ग्लेशियर्स भी है और व्यू पॉइंट भी बहुत अच्छे हैं और आपका फ़ोटोशूट्स भी इधर बहुत अच्छा होता है। तो चलिए अभी हम गगनगिर के लिए चलते हैं। ये वैली है और इस साइड देख के हेवन है, क्या दिख रहा है भाई। ये पूरा जगह पूरा स्लिपरी है, बहुत मुश्किल होता है चलने में, बहुत ज़बरदस्त जगह है गगनगिर। अंदर तक चलेंगे अभी, देखते हैं अंदर क्या है। जो रबर बूट्स है ना वो पहन के आ जाना है, वो थोड़ा ग्रिप मिलता है, ये बूट्स में ग्रिप ही नहीं मिल रहा है, बहुत स्लिप हो रहा हूँ मैं। इधर भी बहुत स्लेज है, पैदल जाने में बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत स्लिपरी था, इसीलिए स्लेज लिया, एक स्लेज का 50 रुपया लिया था जाने में और लास्ट एंड तक जाएगा और फिर उधर से दोबारा नीचे स्लेज में आ जाएंगे। सो एक का 50 रुपया लिया था और मैंने 4 स्लेज लिया था, चारों के लिए ले लिया था। सब अभी हम स्लेज में जा रहे हैं, सब लोग बहुत थक गए थे भाई इसलिए स्लेज लेना पड़ा। सो ले लिया था स्लेज हमने, और ये जो बंदा है जो बहुत तेज है सबको धक्का दे के आगे जा रहा था। ये व्यू पॉइंट पे आ गए थे हम और इधर कुछ फ़ोटोज़ लिया था हमने, क्या व्यू पॉइंट है यार, बहुत ज़बरदस्त दिख रहा था, मज़ा आ गया था इधर तो। और आगे हम लास्ट पॉइंट पे, जो लास्ट पॉइंट में गगनगिर के लास्ट पॉइंट एक ब्रिज आता है वही है लास्ट पॉइंट है, उसे आगे हम नहीं जा सकते। उधर का व्यू तो पूरा अलग ही दिख रहा था, पूरा ग्लेशियर्स ही था एकदम, व्यू देखने में तो एकदम स्विट्जरलैंड की तरह लग रहा था। देखिए कैसा दिख रहा है व्यू। तो अभी चलिए हम दोबारा रिटर्न चलते हैं, बहुत देख देख के नीचे ले रहा था मुझे भाई, देख के लेके जाओ मुझे, नीचे मत गिराना। वो तो डर ही नहीं रहा था और कुछ मेरी बातें सुन ही नहीं रहा था, बस दोनों लड़के धक्का दे रहे हैं मुझे जोर से, और क्या स्पीड हो गया अभी। अरे भाई देख के जाओ, देख के गिर जाएंगे हम। ये दोनों पीछे से मुझे धक्का दे रहे हैं अभी, आगे कोई भी नहीं है, आगे आगे।
एक हाथ से कैमरा पकड़ के और एक हाथ से स्लेज को पकड़ने में बहुत मुश्किल हो रहा था। कैमरा गिर जाएगा, थोड़ा धीरे चलो। मजा ही अलग है स्लेज में आने का, नीचे में भी क्या स्पीड है। अरे यार धीरे धीरे धीरे, ये लगा मुझे जोर से लगा, पूरा नीचे उतार दिया एकदम। तो हमें कवर नहीं कर पा रहे हैं। और सोनमा आ रहे थे 7 पॉइंट और सभी के एक्सपोर्ट दीजिए, सभी के बहुत जोरदार चुके हैं। तजवाज देते और जीरो परसेंट रोक लगा देते हैं। सोनमा हो गया, सोनमा तो हो गया। तो अभी हम जाएंगे बैक टू श्रीनगर और वही होटल पे चेक इन करेंगे, ओपर आए। तो चलिए अभी हम श्रीनगर चलते हैं। हमने सोनमक से दोबारा उसी होटल ओपेराइन में चेक इन कर लिया। अभी इस होटल भी अच्छा ही है, सेंट्रली हीटेड है और ब्रेकफास्ट डिनर भी मुझे अच्छा ही लगा। इतना भी ब्रेकफास्ट डिनर भी अच्छा ही है, उसके बाद गर्म पानी भी आ रहा है। विंटर के लिए आई थिंक दिस होटल इज़ चीप एंड बेस्ट, अच्छा है। जस्ट दाल लेक से 5 किलोमीटर दूरी है। अभी सोनमक तो एक्चुअली बंद है विंटर में, क्योंकि उधर एक लैंडस्लाइड हुआ है, इसीलिए फॉर टाइम बीइंग उन्होंने बंद करके रखा है। सो हमने तजवाज ग्लेशियर एज वेल एज जीरो पॉइंट, ये दोनों हमने एक्सप्लोर नहीं कर पाए। लेकिन सोनमार्ग से 10 किलोमीटर्स पहले गगनबीर आता है, जो आप जो अभी वीडियो में देखा है वो जगह सब आप देखने के लायक है। गगनबीर तो एक्सेलेंट प्लेस है और जो 4 पॉइंट्स है उसमें 2 पॉइंट्स, फर्स्ट 2 पॉइंट्स भी एकदम एक्सेलेंट प्लेस है, वो भी आप देखना है। एंड द नेक्स्ट 2 पॉइंट्स भी इतना ठीक ठीक ही है, लेकिन गगनबीर को आप देखना ही है। सो आप श्रीनगर से सोनमार्ग जा रहे हैं तो गगनबीर एक्सप्लोर करके ही आगे जाना सोनमार्ग के लिए, सो दैट यू कैन एक्सप्लोर तजवाज ग्लेशियर एज वेल एज जीरो पॉइंट। सो ये सब जगह देख सकते हैं। उसके आगे आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि लद्दाख लेह लद्दाख का रूट है, वो रोड है, और 6 मंथ्स तो रूट बंद ही होता है विंटर में। सो उसके आगे आप जा ही नहीं सकते गाड़ी पर बाई रोड, मतलब तो आपको फ्लाइट से जाना है अगर आपको जाना है तो लद्दाख। सो ये हो गया। सो अभी हम इधर ही चेक इन करेंगे आज रात को, इधर ही स्टे करके कल सुबह को हम एयरपोर्ट जाएंगे। तो मैं आपसे कल सुबह एयरपोर्ट में मिलूंगा। अभी तो कश्मीर का सीरीज़ हमने कंप्लीट कर दिया है। इसमें हम जो जगह नहीं गए थे वो है यूसमार्क, जो कि बंद था, बर्फ़ पड़ रहा था इसलिए नहीं हो पाया। उसके बाद एक और रूट है, वो है वुलर लेक टू रजन पास, देन गुरेस एंड टुलाइल वैली। ये रूट भी अच्छा है, एक ऑफ बीट जगह है, अगर आपके पास टाइम होता तो आप जाइए। हमने 3 बार ट्राई किया था इस विंटर में जाने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। सो हम नहीं गए। समर में तो आप ऑब्वियसली जा सकते हैं, लेकिन दिस प्लेस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस है। अगर आप विंटर में जा रहे हैं तो मुश्किल होगा, समर में देखिए 120 किलोमीटर है लगभग श्रीनगर से जाने के लिए। सो वन नाइट स्टे करेंगे तो ठीक रहेगा, अगर एक ही दिन में करेंगे तो टाइट हो जाएगा। ठीक है, ये सब हो गया। अभी इधर का बेस्ट नेटवर्क है एयरटेल का है, सब जगह हमें नेटवर्क मिला है, ऑल लोकेशंस पे मिला है, डेटा भी अच्छा था, स्पीड भी था। उसके बाद जियो का आता है, फिर BSNL का है। ओके, ये भी हो गया। अगर आपको गाड़ी लेना है, लोकल सब घूमना है, तो इधर का एक जुगनू ऐप है, वो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। सो आप होटल से पिकअप करेंगे तो भी वो जुगनू ऐप आ जाएगा। सो आपको कन्वीनियंट है, आपको लाल चौक जाना है या डल लेक जाना है, आप जुगनू ऐप यूज़ कर लीजिए, सस्ता भी है और चीप भी है। उसमें 3 गाड़ी है, स्विफ्ट है, अल्टो है और सेंट्रो है। सो आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप बुक कर सकते हैं। कश्मीर आपको अगर विंटर में आना है तो मैं तो कहूँगा कि विंटर में ही आइए, सर्दी में गर्मी में आने में कोई मज़ा नहीं है। ऑफ सीज़न में आइए तो मज़ा आएगा, लेकिन थोड़ा मेहनत है। तो अगर आपको हमारा कश्मीर का वीडियो का सीरीज़ आपको अच्छा लगा तो सपोर्ट कीजिए, थैंक्स क्लिक कीजिए और सपोर्ट कीजिए, थैंक्स, बाय बाय। आपको प्रीपेड टैक्सी बुक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीधा एयरपोर्ट से बाहर आइए, स्ट्रेटली प्रीपेड टैक्सी काउंटर पर जाइए। आपको कहीं भी जाना है, लाइक गुलमर्ग जाना हो, हज़रतबल जाना हो, पूरी जाना हो, पहलगाम सोनमा कहीं भी जाना हो, तो इधर से आप गाड़ी बुक कर दीजिए और सीधा चले जाइए। रेट भी एकदम रीज़नेबल है।